हेलो गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चैनल में। ट्रेन के आगे दौड़ा दी बाइक और रोकनी पड़ी पैसेंजर ट्रेन और मच गया वहां पर हड़कंप। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला कहां का है। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। आजमगढ़ के सरायमीर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जबकि आजमगढ़ से सरायमीर एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी और जब सरायमीर के नजदीक ही वो पहुंची, 1 किलोमीटर सिर्फ दूरी थी, वहां पर एक रेलवे फाटक था और उस दौरान सब लोग वहां पर खड़े हुए थे, रेलवे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी बीच में एक्चुअली 3 युवक बाइक पे सवार थे और उन्होंने वो बैरियर लगे हुए देख के भी उन्होंने ट्रैक के सामने अपने बाइक चढ़ा दिया, ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया और वहीं से वो रेलवे स्टेशन जाने लगे। और जब एक्चुअली पायलट ने इन लोगों को दूर से देखा तब उसने हॉर्न भी बजाया और पैसेंजर ट्रेन को वहीं के वहीं रोक दिया। और जो वहां पर जो बैरियर का जो गार्ड था वो भी भाग के उन लोगों को रोकने की कोशिश किया और जहां पर वो लोग भीड़ भड़क्के में लोग भी खड़े थे, लोगों ने भी बहुत सारी कोशिश की इस लड़के को रोकने की। उसके बाद काफी ज्यादा टाइम के बाद इस लड़के को उस ट्रैक से बाहर निकाला गया और उसके बाद पुलिस बुलाई गई और उसके बाद वहां पर जो गार्ड था और जो वहां पर जो पैसेंजर ट्रेन का जो पायलट था वो भी वहां पर जमा हो गए। बहुत बड़ा हंगामा हो गया और हंगामे के बाद पता चला कि ये जो आदमी है उसका कहना ये है जो बाइक चला रहा था कि मुझे एक्चुअली वही ट्रेन पैसेंजर वाली पकड़नी थी और उसी रेलवे स्टेशन पे पकड़नी थी, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लंबा रास्ता था तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन के आगे आगे और ट्रैक के ऊपर ही भाग जाऊं तो मुझे जल्द से जल्द ये ट्रेन मिल जाएगी। ये चीज देख के वो जो लड़का था उसका मेंटली जो संतुलन था, लोगों ने सोचा कि उसका मेंटली संतुलन ठीक नहीं है। गार्ड एक्चुअली पुलिस वालों को उसको सौंपने वाला था पर वहां के जो लोग थे उन लोगों ने गार्ड को समझाया, उस पायलट को समझाया। समझाने के बाद उस लड़के से बातचीत की गई और लड़के ने ये चीज बोली कि आगे के आगे मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो कि जनता को या तो सरकार की कोई प्रॉपर्टी को ऐसा हामी हो या मुझे हामी हो। हालांकि लोग ये चीज बोल रहे हैं ये पैसेंजर ट्रेन थी इसीलिए वो बच गया, अगर कोई सुपर फास्ट अगर कोई ट्रेन होती तो कोई भी ऐसा बड़ा हादसा हो सकता था और पायलट ने दूर से ही इस आदमी को देख लिया था इसीलिए उसने 1 किलोमीटर दूर ही ये ट्रेन को रोक दिया और उसके बाद हॉर्न भी मारने लग गया पर इस आदमी ने सुना नहीं। तो गाइज ये क्या सब चीजें हैं जो कि दुनिया में हो रही है, पता भी नहीं चलता और माइंड कहां पर जाता है लोगों का और अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि उनको जल्दी पहुंचना है। जल्दी पहुंचने के मौके में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग अपनी जान से हाथ धो पड़ते हैं और उनके परिवार वालों को दुख झेलना पड़ता है। तो गाइज टाइम बहुत ज्यादा कीमती है ये बात पता है, पर उसके साथ साथ टाइम से ज्यादा कीमती आपकी जान है। अगर आप अपनी जान को विपदा में डालेंगे तो टाइम भी कहां रहेगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये जो आदमी किया है क्या वो सही किया है टाइम और जिंदगी के बीच में, आप किसको चुनते अगर आप होते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।